गरीब जन कल्याण के द्वारा नगर के बर्रा स्थित बस्तियों में वस्त्र वितरित किए गए। संस्थापक अध्यक्ष पंडित राजनाथ पांडे ने बताया कि फाउंडेशन के द्वारा निरंतर नगर की विभिन्न बस्तियों में समय समय पर वस्त्र वितरित किए जाते हैं, जिसकी श्रृंखला में आज बर्रा 8 क्षेत्र में वस्त्र वितरित किए गए, जिसमें महिलाओं बच्चों को वस्त्र वितरित हुए। महामंत्री सरिता सिंह चंदेल ने पदाधिकारियों के संग मलिन बस्तियों में महिलाओं को साड़ियां पैंट स्कूली मोजे शर्ट इत्यादि वितरित किए। कोषाध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि गरीब जन कल्याण फाउंडेशन विगत कई वर्षों से समाज के निर्धन निर्बल असहाय के उत्थान की दिशा में कार्यरत है। फाउंडेशन की जानकारी एवं मदद के लिए 9,87,83,930 पर संपर्क कर समाज के कल्याण हेतु एक कदम बढ़ा सकते हैं। वस्त्र वितरण के दौरान सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट। क्यों कपड़े ले चलो निकलो किराए बोलो ना उसको क्या नाम है, किस संगठन के द्वारा क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? राजनाथ पांडे हमारा का नाम है जी। गरीब जन कल्याण फाउंडेशन हमारी संस्था का नाम है जी। जी 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 हम इसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं जी। आज कभी सैकड़ों की तादाद में लोगों को कपड़े बांट रहे हैं। कौन सा क्षेत्र है ये? बर्रा है। बर्रा आज बर्रा मलिन बस्ती। कितने सालों से आप मलिन बस्तियों में काम सालों से कर रहे हैं? फाउंडेशन किन किन कार्यों को कर रहा है? फाउंडेशन शिक्षा और गरीबों को कपड़े वगैरह बांटने में काम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपने अभी कोई विद्यालय भी गोद लिया हुआ है जी? कहाँ का विद्यालय है? बिनगुआ। कितने बच्चे आप शिक्षा देने कार्य कर रहे हैं? आप नियमित शिक्षा देने कार्य कर रहे हैं? हाँ हाँ नियमित। अगला क्या उद्देश्य है? अगला क्या फाउंडेशन काम करेगा? हम संस्था के नाम का कोई मतलब आश्रम बनाना चाहते हैं, बाल आश्रम, जिसको हम खुद बच्चों को पढ़ाना लिखाना उनकी परवरिश करना निःशुल्क, ये आश्रम का उद्देश्य रहे। आज फाउंडेशन द्वारा जो मलिन बस्ती में कपड़े बांटे गए, जो खुशियाँ आई हैं, जो मलिन बस्ती निवासी हंस रहे हैं खुशियाँ मना रहे हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे नगर वासियों से, किस तरह मदद और अन्न करें? नगर वासियों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि जो हम कार्य कर रहे हैं इससे आप सहमत हैं तो आप हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करिए और जितना हो सके उतना सहयोग करने की कोशिश करिए।